यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने रात में चिकन पड़ा है। ये 1.25 किलो मैंने विंग्स लिए हैं, इसके ये पार्ट्स मैंने अलग कर लिए हैं और ये भी अलग कर लिए हैं, ये ड्रम स्टिक वाले। और जो मोटा साइड था उसमें मैंने हल्के हल्के डीप कट लगा दिए हैं, जो हड्डी तक गए हैं ये आप देख सकते हैं। अच्छे से मैंने वॉश कर लिया और जो मोटे मोटे थे इन सब पे मैंने डीप कट लगा दिए हैं, ये देख सकते हैं, ताकि हमारी मैरिनेशन अच्छे से हड्डियों तक पहुंच सके। जी भी बट ये आप देख सकते हैं, 3 अदद मैंने लेमन लिए हैं, इतना टुकड़ा मैंने लिया है अदरक का, ये 4-5-6 कलियाँ, 3 बड़ी हैं, 3 छोटी हैं, ये लहसुन की ली हैं और ये 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी या आप कूट लें, पीस लें, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है। ये लेमन मैं इधर निचोड़ के लगा दूँगी। व्यूअर्स चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सके। जी व्यूअर्स, ये आज हम बनाएंगे क्रिस्पी हॉट चिकन विंग्स। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेमन निचोड़ देंगे, 3 से 4 अदद। व्यूअर्स, लेमन ना हो तो आप सफ़ेद सिरका भी इसमें 2 से 3 टेबलस्पून डाल सकते हैं। अगर लेमन और विनीगर डालना है तो 2 लेमन और 1 चम्मच आप बड़ा खाने वाला इसमें विनीगर, वाइट विनीगर डाल सकते हैं। जी व्यूअर्स, लेमन हमने निचोड़ लिया, इसको अच्छे से लेमन को इसके साथ मैरिनेट कर देंगे। व्यूअर्स, अब बाहर बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बूंदा बांदी है, शाम से तेज़ बारिश थी तो अब ड्रिजलिंग हो रही है, बड़ा अच्छा सा ठंडा ठंडा माहौल हो गया है। जी व्यूअर्स, अच्छे से हमारे लेमन हो गए हैं जी मिक्स। ये हमने जो 3 सब्ज़ मिर्चें और 4-5 कलियाँ लहसुन की और 1 अदरक का टुकड़ा ये हमने ग्राइंड कर लिया था मैंने, इसमें अच्छे से मैं इसको कर दूँगी शामिल। नमक इसमें जाएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 पिसा हुआ 1 टीस्पून, बाद में मैं चेक कर लूँगी। और इसमें जाएगी जनाब सफ़ेद मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, फिर हम इसका जो टेस्ट के मुताबिक देख लेंगे बाद में कितना तेज़ करना है या कम करना है। पिसा हुआ गरम मसाला 1 से तकरीबन 1.25 चाय वाला चम्मच डालेंगे और इनको अच्छे से हम मैरिनेट कर देंगे। व्यूअर्स, यही क्रिस्पी हॉट विंग्स हैं जो आप डील्स के साथ, पिज़्ज़ा डील के साथ या वैसे ही 600-800-1000 के लेते हैं, और यही 1000 में या 600-700 में। जी व्यूअर्स, यही अच्छे से मैरिनेशन हो रही है, यही आप अगर घर में बनाएंगे तो बहुत अच्छे और कम कीमत और पूरी फैमिली जी भर के खाएगी। तो व्यूअर्स, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम अपनी सिर्फ वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, हमारा मकसद ये भी है कि आप लोग अगर इसमें कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, होममेड चीज़ों का बिज़नेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं या ख़ुद से बनाना चाहते हैं, तो हम आपको इस काबिल कर दें कि आपको ओरिजिनल रेसिपीज़ मिल सकें। जी व्यूअर्स, हमारा ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, तो अब इसको आप ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो 3 घंटे रख लें, वरना मैं इसको अब 1 घंटा मैरिनेशन दूंगी और इसको मैं डब्बे में बंद करके। जी व्यूअर्स, हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है, हम इसे बॉक्स में एयर टाइट जार में, डब्बे में या कोई भी आप कौल ले के उसको लेमिनेशन लगा के एयर टाइट कर दे, ताकि फ्रिज में बाकी चीज़ों में इसका अरोमा ना जाए, इसमें शामिल कर देंगे। और ये जो इसकी मैरिनेशन का वो मसाला वगैरह है, ये साफ करके इसमें डाल देंगे, ढक्कन लगा के अच्छे से इसको। अब तो मौसम काफ़ी सर्द है, अब बाहर भी रख सकते हैं और फ्रिज में भी, फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रख सकती हैं। अगर गर्मियों का मौसम है तो आप फ्रिज में रखते हैं, अब जैसे सर्दियां हैं तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं मैरिनेशन को। व्यूअर्स, हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, माशाल्लाह से 1.5 घंटा हो गया था। अब हम फ्राइंग का प्रोसेस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम अपने मैदे में शामिल करते हैं, इधर मैदा हमने प्लेट में डाल लिया था और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया। अच्छे हल्के हल्के हाथों से इसको हम थोड़ा सा मस लेंगे मैदे में, चंद सेकेंड्स के लिए सादे पानी में डिप करेंगे।
झाड़ के फिर हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देंगे खुश्क हाथ से, हल्के हल्के हाथ से, ये आप देख सकते हैं। हम इसको एक मैंने उसमें डाल दिया बना के, ये आपको दिखाने के लिए ये हम करेंगे। ये ड्रम स्टिक है, ये देखें चंद सेकंड मैंने इसको किया और ये देखें कितने अच्छे क्रम्स बन गए इसके, ये देख सकते हैं। इसमें गर्म आ रहे हैं, हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए ये हल्की आँच पे मैंने ऑयल गर्म किया था ऊपर, और ये देखें आप गर्म हो रहे हैं माशाल्लाह से। ये ब्लड नहीं है, ये हड्डी में से उसका जो है ना जूस वो निकल रहा है, इसमें फ्राई हो जाएगा। जितनी हमें ज़रूरत होगी हम करते जाएंगे, डालते जाएंगे, चार से पांच उसमें डल जाएंगे व्यूअर्स। तो हार्डली ये सात से आठ मिनट में ये कुक हो जाते हैं। एक से दो मिनट हम इसको एक साइड पे देंगे, जब एक साइड गोल्डन हो जाएगी इनकी तो फिर हम टर्न करेंगे दूसरी साइड पे, वरना हम अगर पहले से डालने के फौरन बाद चम्मच से हिलाना दिलाना शुरू कर देंगे तो इसकी कोटिंग भी ख़राब हो जाएगी और ये पेंदे के साथ चिपक भी सकते हैं। अभी ये जब एक तरफ से कुक हो जाएंगे तो पेंदा इसे खुद ही छोड़ देगा फ्राइंग पैन का, जो भी है देखती में बना रहे हैं फ्राइंग पैन में बना रहे हैं, जिसमें भी आपको आसानी हो, जो चीज़ भी आपके पास हो, तो भी बस आप उसमें कर सकती है। देखो माशाल्लाह से माशा कितना अच्छा बीन्स का बना, फ्राई भी हमारे बहुत अच्छे से हो गए। भी बस ये हमारा तकरीबन अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, हम इसको टर्न करेंगे, ये भी देख लेते हैं कि इसका भी हुआ है। ये हल्का है थोड़ा सा, पहले हमने इसे टर्न कर दिया है, ये भी थोड़ा सा, और ये हम इसमें नया पीस ऐड कर देंगे, बस इतने ही काफ़ी हैं और हम इसमें भी शामिल करेंगे मीन जी। वीवर्स माशाल्लाह से हमारे स्पाइसी क्रिस्पी हॉट विंग्स, चिकन हॉट विंग्स जो आप बड़े ब्रांड्स के बारबेक्यू वालों से खाते हैं, पिज़्ज़ा वालों से खाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, ये देखें मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये विंग्स है माशाल्लाह से, कितना क्रिस्पी, कितना जूसी अंदर से देख सकते हैं। किचन इन चिकन, सॉरी चिकन इनका हाउ गल चुका, जूसी टेंडर बेहतरीन, खा के देख जबरदस्त। व्यूअर्स जरूर बनाइएगा, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दुआओं में हमें याद रखेगा। रेसिपी पसंद आए तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा, मिलते हैं एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, निदा फातिमा को इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।